हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी एंड एक्सरसाइज 15 यानी 15 बताएंगे। तो यहाँ पे जो है नीचे में दिया गया है, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का भी पूरी ट्यूटोरियल मिलने वाली है। और आपको तो ये जानते ही हैं कि आप लोगों को ये रेगुलर का मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब क्रिया के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थाई रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। अब फिर से इसे देखते हैं। जब क्रिया के अंत में गा गे गी लगाओ, ठीक है, और एक और भाव स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति, जो स्थिति है अभी, भविष्य में रहेगी, पक्का रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने एक बार बोर्ड ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मेरी, ये मान लीजिए मेरी नौकरी है, ठीक है, ये मेरी नौकरी है, यहाँ पे नौकरी है, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये हमें, अभी 2019 चल रहा है, तो यहाँ पे ये 2019 से 2021 में भी मेरी नौकरी रहेगी। ये पक्का है कि मेरी नौकरी 2019 से 2021 तक रहेगी। ये अगर कन्फर्म है तो ही आप शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे में देखिए, सामान्यतः आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। अच्छे समझ लीजिए, आई एंड वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है, तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करना है। सिर्फ आई वी के साथ शैल का प्रयोग, अदरवाइज सबके साथ विल का प्रयोग करना है, ये विल बी का। तो यहाँ पे संक्षिप्त तालिका दिया गया, चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे पर्सन दिया गया, सिंगलर प्लुरल। फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं आई एंड वी, सिंगलर में आई, प्लुरल में वी। तो हमें ऊपर में बताया गया है कि आई के साथ शैल बी का प्रयोग और एंड विल वी के साथ शैल बी का प्रयोग, यानी दोनों के साथ, आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए, आई शैल बी हैप्पी, वी शैल बी हैप्पी। यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि अस्थाई रूप से, यहाँ पे देखिए, मैं खुश रहूंगा, ये क्या कहा जा रहा है, मैं खुश रहूंगा, अब बहुत दिनों तक रहूंगा, यानी मैं खुश रहूंगा, ये निश्चित नहीं कर रहा कि मैं उसी दिन तक रहूंगा, यानी सब दिन रहूंगा। हम लोग खुश रहेंगे, अब यानी हम लोग खुश रहेंगे, वी शैल बी हैप्पी। उसके बाद है यू विल बी हैप्पी। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन के अंतर्गत You will be happy, तुम खुश रहोगे, ये मैं कह रहा हूँ, तुम खुश रहोगे, अब कब तक रहोगे ये पूरी निश्चितता से नहीं कहा जा रहा। You will be happy, तुम लोग खुश रहोगे, यहाँ पर भी पूरी निश्चित, You will be happy। उसके बाद है थर्ड पर्सन के अंतर्गत He see it Ram, तो यहाँ पर देखिए वह या राम, सभी विल बी हैप्पी, खुश रहेगा, यानी सब दिन खुश रहेगा। दे या द बॉयज, तो यहाँ पे देखिए वे लोग खुश रहेंगे, यहाँ पे दे का प्रयोग, दे के साथ भी बी का प्रयोग, यानी यहाँ पे अच्छे से अगर समझे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगलर प्लुरल के साथ शैल बी का प्रयोग, तथा सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के सिंगलर प्लुरल के साथ विल बी का प्रयोग करना है। तो चलिए हम इसमें एग्जाम्पल दिया गया, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में दिया गया है, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, मैं के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, मैं खुश रहूँगा, यानी आई शैल बी हैप्पी, वी हम लोग उपस्थित रहेंगे, वी शैल बी प्रेजेंट, तुम अनुपस्थित रहोगे, तो यू विल बी अब्सेंट, वह धनी रहेगा, ही विल बी रिच, वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट, वह दुखी रहेगी, सी विल बी सैड, वे लोग थके रहेंगे, दे विल बी टायर्ड, वह एक नेता बनेगा, ही विल बी
ए लीडर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, एंड सीता नर्स बनेगी, सीता विल बी ए नर्स। वे लोग किसान बनेंगे तो दे विल बी फार्मर्स। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 15 बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को इस वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे पहले देख लीजिए ये सभी को। तो देखिए यहाँ पे उपस्थित यानी प्रेजेंट, थका का टायर्ड, व्यस्त का बीजी, नेता का लीडर, अभियंता का इंजीनियर, दोषी का गलती, भूखा का हंगरी, संतुष्ट का सेटिस्फाइड, दुखी का सैड, कलाकार का आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत आसान है, इससे पहले अगर आप समझ गए तो इसे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैं के साथ सैलबी का प्रयोग एंड वी के साथ भी सैलबी का प्रयोग करना है। तो आई शैल बी रेडी, मैं उपस्थित रहूँगा, आई शैल बी प्रजेंट, मैं धनी बनूंगा, आई शैल बी रिच, मैं एक किसान बनूंगा, आई शैल बी ए फार्मर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, हम लोग थके रहेंगे, वी शैल बी टायर्ड, हम लोग व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी बिजी, हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग है यानी ढेर नेता है, वी शैल बी लीडर्स, हम लोग अभियंता बनेंगे, वी शैल बी इंजीनियर्स, उसके बाद है तुम दोषी होगे। अब यहाँ पे देखिए यू ही सी इट एंड दे के साथ विल बी का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे देखिए यू विल बी गल्टी, आप भूखे रहेंगे, यू विल बी हंगरी, आप लोग संतुष्ट रहेंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड, आप एक शिक्षक बनेंगे, यू विल बी ए टीचर, आप लोग शिक्षक बनेंगे, यू विल बी टीचर्स, सीता विल बी सैड, वह उपस्थित रहेगा, ही विल बी प्रेजेंट, ठीक है, वह नर्स बनेगी, तो यहाँ पे जो होगा सी विल बी नर्स, वह कलाकार बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल बी एन आर्टिस्ट, वे लोग बीमार रहेंगे, दे विल बी इल, बच्चे खुश रहेंगे, द चिल्ड्रेन विल बी हैप्पी, वे लोग तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बगल में जो एक घंटी का आइकॉन आता है उसे दबाइए, और ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, यानी आप घंटी के निशान को दबा दीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।